Hello beautiful people, this is your mother Shan Khan. Welcome back to another video of Nasik Karshan. So guys, I hope you guys are doing absolutely fine. And talking about today's vlog guys, I have told you in the last video that we are not going on traveling, we are not going on ride. So we are making informative videos now. So the same goes for today. So dukh hota hai batane ke liye, par kya kare, family ke safety, khud ki safety bhi kuch matter karti hai. So talking about today's video guys, today's video is completely informative. Humne hamare Royal Enfield ke liye kuch shopping ki hai. And also in this video I would be showing you guys that how you guys can get this product delivered at your doorstep. Tum log ye product apne doorstep tak kaise purchase karke pa sakte ho. So without wasting any time, let's get started. Second, third, fourth. So guys, ये है चार प्रोडक्ट जो हमने हमारे रॉयल एनफील्ड हिमालयन के लिए परचेस किए हैं. हम सबसे पहले करेंगे इन सबकी अनबॉक्सिंग, और अनबॉक्सिंग करने के बाद में तुम लोगों को बताऊंगा कि तुम ये प्रोडक्ट अपने डोरस्टेप तक कैसे परचेस करके पा सकते हो. और जहाँ तक की बात करूँगा इसमें, तो होता ऐसा है कि हम करोलबाग की बहुत सी वीडियोस देखते हैं, हमें प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे अच्छे पसंद आते हैं, लेकिन एक बोलते हैं ना, दिल में डाउट होता है यार कि प्रोडक्ट सही में अच्छे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पैसा वेस्ट तो नहीं होगा. सो उसके लिए मैं तुम लोगों को ये अनबॉक्सिंग करने के बाद बताऊँगा कि तुम लोग इसको परचेस कैसा कर सकते हो और अपने डोरस्टेप तक ये सब प्रोडक्ट्स कैसे पा सकते हो. और पहले तुम अनबॉक्सिंग देख लो, मैं उसके बाद डिटेल में बात करता हूँ. सो ऑन द फर्स्ट वी हैव LJG चार्जर. अब इसका बॉक्स था, लेकिन बॉक्स मैंने बोलते हैं ना जल्दबाजी में अनपैक करने के चक्कर में मैंने चक्कू मार दिया इसके ऊपर. सो दिस इज़ अ LJG चार्जर. वायर भी आपको अच्छा खासा बड़ा मिलता है इसके साथ, और एक स्पाइडर होल्डर विथ ये रबर है मोबाइल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए. सो LJG चार्जर एंड नंबर टू वी हैव. ये अनबॉक्स करने से पहले मैं ये अनबॉक्स कर लेता हूँ. ये है फिनटेक फ्लैशर जो कि हमारे रॉयल एनफील्ड हिमालयन के लिए. अब वो ऐसा था, मैंने स्पीडवे का परचेस किया था सेम जगह से, लेकिन वो चल नहीं रहा था, जिसकी वजह से मैंने उनको रिप्लेस करके सिमटेक का परचेस किया हो. तो ये है सिमटेक, और इसको करते हैं हम अनबॉक्स. तो गाइस, सिमटेक का फ्लैशर आता है आपको एक साल की वारंटी के साथ. ये इसका वारंटी कार्ड है, और साथ में इसके कुछ मॉडल की भी डिटेल्स है, तो पीछे देख सकते हो. और सेम मॉडल का एक बारकोड, ये जो बारकोड आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो वारंटी कार्ड पे लगा है, ये सेम फ्लैशर के पीछे भी लगा हुआ है. तुम लोग एक एक मिनट को मैं बताता हूँ तुम लोगों को. खुल जा सिम सिम. हाँ, ये सेम बारकोड यहाँ पर भी है, जिसकी वजह से बोलते हैं ना आपकी वारंटी होती है 1 ईयर की सिमटेक के फ्लैशर की. तो ये फ्लैशर है, ये इसका वारंटी कार्ड, और कुछ बॉक्स, और ये बटन इसमें है पैटर्न चेंज करने के लिए. यहाँ पर एक अलग से स्विच भी है इसके. दिस बटन इज टू चेंज द पैटर्न ऑफ योर फ्लैशर. यू कैन सी दिस बटन, दिस इज ऑन ऑफ बटन. सो ये एक है वारंटी कार्ड आया है इसके साथ, और टाई केबल, दैट्स इट इन द बॉक्स. सो ये है सिमटेक का फ्लैशर जो मैंने परचेस किया अपनी रॉयल एनफील्ड हिमालयन के लिए. नाउ कीपिंग दिस आल्सो एट अ साइड. साथ ही साथ मैंने परचेस किया हूँ एलईडी इंडिकेटर्स. अब जो रॉयल एनफील्ड स्टॉक के जो बल्ब है, दैट इज नॉट, वो इतने पावरफुल नहीं है, क्या बोलते हैं ना फ्लैशर इंस्टॉल करने के बाद एक मजा है. सो साथ ही में उसके मैंने मंगाया वो 360 व्यू एलईडी बल्ब. मैं इसको भी खोल के बताता हूँ. Guys, these are the four indicator bulbs, 360 view bulb for खुशी हो रही है. इंस्टॉल कब करूँगा तुम लोगों को कब बताऊंगा कि मैंने इंस्टॉल कर लिया अपने रॉयल एनफील्ड हिमालयन पे. लेकिन उससे पहले, सो गाइज, ये 360 व्यू एलईडी बल्ब इंडिकेटर के लिए. जो स्टॉक आया है रॉयल एनफील्ड हिमालयन के साथ, वो इतने पावरफुल नहीं है, उसमें इतना मज़ा नहीं आएगा उसमें इंस्टॉल करने के बाद. तो साथ ही में मैंने मंगाया वो ये 360 व्यू एलईडी बल्ब. अगर इसको 360 व्यू बोलते हैं, बोलने का रीजन ये है कि पूरा बोलते हैं ना पूरा बल्ब से कवर्ड है, राउंड में पूरे बल्ब है, ऊपर में पूरे बल्ब एलईडी बल्ब से. तो दैट्स द रीजन, इसके वजह से इसको 360 बल्ब बोलते हैं, एलईडी इंडिकेटर. तो ये भी हम इंस्टॉल करने वाले हैं सिमटेक के फ्लैशर के साथ.
गाइस करता हूँ मैं इसकी अनबॉक्सिंग, क्योंकि ये बहुत बोलते हैं ना दिल के नज़दीक वाला प्रोडक्ट है, बहुत दिल के नज़दीक। 1 साल वेट किया मैं प्रॉब्लम के लिए। सो सुपर 4x4 LED लेजर गन। सो मैं पहले इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ, उसके बाद मैं रिटर्न इस प्रोडक्ट की बात करता हूँ। सो इस प्रोडक्ट में आपको मिल जाता है एक वायर हार्नेस। सो दिस इज़ अ सिंपल हार्नेस गाइस, इसमें फ्यूज़ लगा है, रिले लगा है, ये पूरा एक रिले है, बिकॉज ऑफ विच द बैटरी पे ज़्यादा लोड नहीं आएगा इसके वजह से। और ये पूरा एक अलग से वायरिंग है, मतलब आपको कोई वायर कट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ये डायरेक्टली आप इंस्टॉल करो और आपकी वारंटी वॉइड नहीं होगी। ये है उसका रिले, और साथ ही में इसमें है इसकी फिटिंग्स। फिटिंग्स की क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आएगा इस, अगर मैं बैंड करने की कोशिश करूँ तो ये बैंड भी नहीं होंगे। तो ये देख लो आप, ये है फिटिंग की क्वालिटी। सो ये कुछ ऐसा लगेगा, मतलब जैसा भी आप इंस्टॉल करते हैं ऐसा ऐसा। ये है फिटिंग, दिस इज द सेकेंड फिटिंग, और ये है अपना, ये है इसके कुछ एलन की और इसके कुछ नट्स। एंड हियर कम्स आवर मेन प्रोडक्ट। ये सेकेंड साइड की एलन की और उसके नट्स। सो दिस इज आवर मेन प्रोडक्ट। सो गाइस दिस इज आवर मेन प्रोडक्ट, दैट्स सुपर 4x4 LED लेजर गन विच इज 60 वॉट पर पीस। सो गाइस इसके अगर मैं पावर की बात बताऊँ आपको, तो सब में बेस्ट ये है कि 60 वॉट पर पीस है, ऐसा नहीं है दोनों में मिला के 60 वॉट पर पीस है, ये 60 वॉट पर पीस है। मैं इसका कवर निकाल दूँ, सो गाइस दिस इज 60 वॉट पर पीस। मैंने इसको चेक किया हो, बिकॉज कुछ ऐसा था कि आने के बाद मुझे प्रोडक्ट सब चेक करना पड़े ताकि कोई दिक्कत ना आए, जिस वजह से मैंने चेक कर लेता हूँ। गाइस तुम लोग हर एक चीज़ का इंस्टॉलेशन देखने मिलेगा, तुम लोग सिमटेक का इंस्टॉलेशन देखने मिलेगा LED बल्ब के साथ, चार्जर और फॉग लैंप्स मैं दोनों साथ में फिट करूंगा, तो इसका भी आपको ब्लॉग देखने मिलेगा। मैं इसको फिट कर दूंगा, उसके बाद मैं इसको आपका पावर भी बताऊंगा। सुपर 4x4 LED लेजर गन, इसका पावर क्या होगा, रात में हाईवे पर राइड करने कितना मजा आएगा इसकी वजह से। सो दिस इज द लेजर गन जिसपे मैं फिदा हुआ था। देखो इंस्टॉलेशन होगा, इसका ब्लॉग आएगा, तुम लोगों को डिटेल में ब्लॉग दिखेगा इसका, जब मैं इंस्टॉल करूंगा तुम लोगों को एक डिटेल में ब्लॉग देखने मिलेगा कि इसका पावर एग्जैक्टली है क्या। सो गाइज दीज आर द फोर प्रोडक्ट आई परचेज फ्रॉम करोपा दिल्ली। अब हम रहते हैं नासिक में, दिल्ली जाना परचेज करना अभी तो फिलहाल में पॉसिबल नहीं था, बिकॉज ऑफ विच बोलते हैं ना थोड़ी छानबीन करने के बाद हमने ये सब परचेज किए हैं। अब मैं इन सब प्रोडक्ट की परचेज की अगर बात करूँ, तो मैंने ये सब प्रोडक्ट परचेज किए हैं के कस्टम से, विच इज़ ऑल्सो नोन एज हॉर्न ही हॉर्न। तुमने इनकी बहुत सी वीडियोज़ देख चुके होगे यूट्यूब पे, बहुत सी वीडियोस हैं इनकी, बहुत सी वीडियोस है यूट्यूब पे, बहुत से मोटो ब्लॉगर्स हैं इनके शॉप पे जाके अपने बाइक में कस्टमाइजेशन किया, लाइट फिट किए, हॉर्न फिट किए हैं, फिर ऑक्सिलरी लैंप फिट किए हैं, LED बल्ब फिट किए, बहुत कुछ मॉडिफिकेशंस करे लोगों ने इनकी दुकान पे जाके। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट इनका खुद का ऑनलाइन स्टोर भी है, विच इज़ नोन एज के कस्टम्स ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे उसको, इंस्टाग्राम पे उनका खुद का स्टोर भी है के कस्टम के नाम से। तो हमने सब ये हर एक प्रोडक्ट हमने हॉनी हॉन दैट्स के कस्टम उनके पास से परचेस किया है। सो गाइस अगर मैं ओनर की बात करूँ, तो ओनर गाइस फर्स्ट टाइम बात करूँगे लगेगा नहीं आप फर्स्ट टाइम बात कर रहे हो, वो एक बहुत फ्रेंडली इंसान है, और जो आपके लिए बाइक, जो आपके बाइक के लिए सही है वो आपको वही रिकमेंड करेंगे, दूसरा कोई चीज़ रिकमेंड करेगा नहीं। मैं लाइट्स के बारे में बहुत कंफ्यूज था, HJG और सुपर 4x4 LED लेजर गन के बीच में बहुत कंफ्यूज था, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि दैट यू गो विद सुपर 4x4 लेजर गन बिकॉज इट्स अ प्रोडक्ट यू लाइक, उन्होंने मुझे ये बोला था। तो प्रोडक्ट हकीकत में मुझे देखने के बाद बहुत पसंद आया, और ये जब जहाँ तक कि मैं सिंटैक के फ्लैशर की बात करूँगा इस, तो सिंटैक के फ्लैशर में प्रॉब्लम ऐसा था कि हमने सबसे पहले स्पीडवे का परचेस किया था, वो थोड़ा कम बोलते ना प्राइस में था, लेकिन स्पीडवे का कनेक्ट करने के बाद चल नहीं रहा था। मैंने वो वापस हॉनी हॉन दैट्स के कस्टम को मैंने वापस भेजा, उन्होंने मुझे फिर मेरा कुछ प्लान में चेंजेस हुआ और मैं सिमटैक के साथ चले गया, बिकॉज मुझे आगे फिर से कोई प्रॉब्लम चाहिए नहीं थी। और मेन बोले तो सिमटैक और स्पीडवे भी सेम था, प्लग एंड प्ले, सिमटैक भी सेम है प्लग एंड प्ले, इसमें आपको कोई वायर कट करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपकी बाइक की वारंटी इसमें वाइड होती नहीं है। सो ये सिमटैक का फ्लैशर, ये LED लेजर गन, ये चार्जर, ये उसका रील है। तो गाइज ये सब प्रोडक्ट हमने उनके पास से ही परचेस किए हैं, एंड गाइज प्रोडक्ट का कम्प्लीटली जेन्युइन, इसमें आपको कुछ फंसने का काम नहीं है, आपको कुछ दिल्ली जाके हर एक चीज़ वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है।
जो चीज आपके बाइक के लिए बेस्ट है वो आपको वही बताएंगे। एक बार आप उनका इंस्टाग्राम पेज चेक कर लो, आपको ये सेम लाइक्स कम रेट में भी मिल जाएगी और ज्यादा रेट में भी मिल जाएगी, डिपेंड अपॉन द ऑफर्स। सो मैं इन सब चीजों के आपको रेट नहीं बता सकता हूँ, आप उनके पेज पे जाओ, पेज पे जाकर आप देखो, ऑर्डर करो, आपको हर एक प्रोडक्ट जेन्युइन मिलेगा। मैं कुछ पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम नॉट गेटिंग पेड फॉर दिस प्रमोशन। मैं पेड प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, बस एक है कि यार बहुत से लोगों का होता है यार काश मैं दिल्ली चले जाओ, दिल्ली से अपने बाइक के लिए सब सामान लेकर आ जाओ। लेकिन दिल्ली भी जाओ तो मैं किससे परचेस करूँ? अगर मैंने इसकी वीडियो देखा था मैं इधर से परचेस करता हूँ, मैं इसकी वीडियो देखा था इधर से परचेस करता हूँ। ऐसी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग बस इनके इंस्टाग्राम के पेज पर जाओ, इनसे बात करो, हर एक चीज़ डिस्कस करो। मैंने हकीकत में उनकी इतनी जान खाई थी लाइक्स परचेस करने के लिए पहले, क्या वो खुद फ्रस्ट्रेट हो गए थे, लेकिन मैंने उनको सॉरी बोला तो उनका रीज़न यही था कि यार हमारी ड्यूटी है, आप सॉरी मत बोला, हमारा काम है आपको ये एक्सप्लेन करना और आपको राइट प्रोडक्ट सजेस्ट करना। तो फिर मैंने उनको बोला था कि भैया आपके पास वैरायटी इतनी है कि यार इंसान कंफ्यूज हो जाता है, तो तुम लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसा होना मत। अगर कंफ्यूजन होता है तो करण भैया से बात कर लेना, जो कि शॉप के ओनर है, के कस्टम्स है, उनसे बात कर लेना, बात करके वो सॉर्ट आउट कर देंगे और आपके बाइक के लिए जो बेस्ट है जेनुइन है आपको वही मिलेगा। सिर्फ इतना उनका यही बोलना है कि वंस यू रिसीव द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट जैसे आप रिसीव करते हो इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाओ, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है इंस्टॉलेशन का तो चेक कर लो हर एक चीज़ चल रही है कि नहीं चल रही है, रिसीव होते ही चेक कर लो कि प्रोडक्ट काम कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो उसकी वीडियो बनाओ उनको भेजो और वो रिप्लेस हो जाएगा, ये हमारा हो चुका है ऑलरेडी। सो गाइस ये चार प्रोडक्ट है जो हमने के कस्टम से लिए थे, मैंने तुमको अनबॉक्स करके बता दिया प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। और सबसे बेस्ट चीज़ अगर मैं बोलूँ तो मुझे इसमें फॉग लैम्प पसंद आई है जो कि 60 वॉट पर पीस है, फॉग लैम्प मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अगर आपको परचेस करना है तो आप इंस्टाग्राम पे जाके उनको DM कर सकते हो, उनका नंबर है, उनको कॉल करके बात कर सकते हो और आपको प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। इसकी इंस्टॉलेशन की वीडियो आपको देखने मिल जाएगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, सो स्टे ट्यून्ड ऑन माई यूट्यूब चैनल। और दैट्स इट गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ थम्स अप, कमेंट करके बताओ मुझे वीडियो कैसी लगी, और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब करना मत भूलना, आगे बहुत भी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करो आपको पता चल जाए। सो टिल देन गाइस, दुआ में याद रखना।